हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद देव। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ फॉर द पोस्ट ऑफ प्लांट ऑपरेटर, लेबोरेटरी और आईटीआई वालों के लिए भी काफ़ी सारी वैकेंसी आई थी आपके BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसमें जो वैकेंसी आई हुई थी 12th पास जिसमें अप्लाई कर सकते थे, जिनका PCM था विद मिनिमम 60% मार्क्स, ये प्लांट ऑपरेटर की पोस्ट और लेबोरेटरी की भी थी जिसमें PCM भी था और ITI वालों के लिए भी काफ़ी सारी पोस्ट थी जिसका लास्ट डेट 22 मई था। तो उस प्लांट ऑपरेटर के पोस्ट के लिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन, जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन तो फिजिक्स से रखे हैं और 10 क्वेश्चन ही केमिस्ट्री से रखे हैं। ये आपके प्री और एडवांस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं BRC प्लांट ऑपरेटर प्रैक्टिस सेट। और ये प्लांट ऑपरेटर के लिए नहीं है, और बाकी और भी जो ITI वाले हैं जिनका प्री एग्ज़ाम है और लेबोरेटरी के जिनने फॉर्म भरा है वो भी देख सकते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया, फोर्स, वेलोसिटी, एस्केलेशन। तो मैं बता दूँ इसका आंसर होगा इनर्शिया। तो ये आपने पढ़ा भी होगा क्लास 11th में, आपने पढ़ रखा होगा कि यदि कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो बॉडी रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वो बॉडी मोशन में ही रहना चाहेगी। कब तक? तब तक जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, तब तक वो बॉडी अपनी ही स्टेट में रहती है, ठीक है? तो यही आपका न्यूटन का लॉ भी था, यह लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लॉ ऑफ इनर्शिया भी उसे कोई बोलते हैं, ठीक है? जैसे आपने मान लो एक कोई बस खड़ी हुई है या गाड़ी खड़ी हुई है, कार के अंदर आप बैठे हैं, एकदम से अगर कार स्टार्ट हो जाए तो आपको एक झटका लगता है ना, जर्क जिसे लगता है, जर्क, तो वो इनर्शिया का कारण ही होता है, ठीक है? तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग क्वान्टिटीज इज़ अ वैक्टर क्वान्टिटी। तो एक दो तरह की होती है, एक स्केलर क्वान्टिटी, एक वैक्टर। तो स्पीड है, टेम्परेचर है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। तो वेक्टर कौन सी है? वेक्टर है हमारी डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको बता दूँ और वेक्टर क्वांटिटीज़, जैसे कि फोर्स आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सकलेशन आप इस तरह से भी कह सकते हैं, एक्सकलेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्थ वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्पीड के साथ एक और दूसरा होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी हो गया, एक्सकलेशन हो गया, फोर्स हो गया, और डिस्टेंस हमारा हो गया स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस स्केलर होगी, और जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये क्लियर हो गया स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द, तो ये हाँ, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द, तो ये न्यूटन्स का सेकेंड लॉ आपसे पूछ रहा है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ भी से कहते हैं। इसमें क्या था, जो हमारा फोर्स होता था ना, फोर्स का एग्जैक्ट फॉर्मूला ये होता था dP/dt, या ऐसे ऐसा कह सकते हैं आप कि रेट ऑफ चेंज, ये लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, पी क्या था यहाँ पे, मोमेंटम, तो मोमेंटम का ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, जिसे हम न्यूटन सेकेंड लॉ के नाम से भी जानते हैं। इसका आपने डेरिवेशन एक बाद में फॉर्मूला निकला होगा, जिसे हम बोलते हैं F=ma, मास इंटू एस्केलेशन फोर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपने करा होगा ना dP/dt, तो पी यानी क्या होता है, मोमेंटम, तो आपने मोमेंटम को लिख दिया होगा mv। आ रहा है कुछ डेरिवेशन से याद, है ना? तो अगर हम m को कॉन्स्टेंट मान ले या मास को कॉन्स्टेंट मान ले, तो मास हम बाहर निकाल सकते हैं, तो मास यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, dV/dt, और dV/dt क्या होता है हमारा, एक्सकेलेशन। तो ये एम में आ गया, नहीं आ गया डायरेक्ट यहाँ से, तो मैंने आपको छोटा सा डेरिवेशन भी करके बता दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू रिगार्डिंग एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट्स वेलोसिटी कॉन्स्टेंट बट इट्स स्पीड इज़ चेंजिंग। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में ये क्वेश्चन है, इट्स स्पीड इज़ कॉन्स्टेंट बट इट्स वेलोसिटी इज़ चेंजिंग, बोथ कॉन्स्टेंट या बोथ चेंजिंग। तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट में बताइए। तो ये क्वेश्चन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से, अच्छा क्वेश्चन है कंसेप्ट वाइज। तो इसका कंसेप्ट आप सॉरी इसका जो आंसर है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ करेक्ट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये क्लास नाइन्थ का है क्वेश्चन। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द अनदर। तो ये बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है भाई, इसमें कुछ बताने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर विद अ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, जैसे मान लो एक मीडियम है ये, ठीक है, एक मीडियम यहाँ से लाइट आ रही है और ये मैंने बना दिया नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल बना दिया, यहाँ से आई लाइट, ये मान लो एयर है, ये वाला मीडियम एयर है और नीचे कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो यहाँ से आई लाइट तो ये बैंड हो गई इधर और ये इधर बैंड हो गई, ठीक है। मान लिया मैंने कि इस तरह बैंड ये हो रही है, डिपेंड करता है रेयरर से डेंसर में जा रही है या डेंसर से रेयरर में जा रही है। तो ये जो जो बैंडिंग होती है, बैंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ये कंसेप्ट क्लियर होगा, और रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हो गया, और डिस्पर्जन आपने पढ़ा ही होगा, और डिफ्रैक्शन आपका क्लास ट्वेल्थ का कंसेप्ट है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, दैट्स अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आई, और आई के यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो आपका फॉर्मूला मैं बता दूँ, एक जो रिलेशन होता है क्यू बराबर आई टी। क्यू क्या है, चार्ज, आई क्या है, करंट, और टी क्या है, टाइम। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा डायमेंशन बताइएगा मुझे क्यू की, ठीक है, ये नीचे कमेंट में बता दिए। और वोल्ट किसकी यूनिट है, वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं किसमें, वोल्ट में। और वाट तो पता ही है आपको, पावर, और ओम जो है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर होता है वी अपॉन आई या वी बराबर आई आर, इसको ही बोलते हैं ओम्स लॉ, ठीक है, ये आपका कंसेप्ट क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ। द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड। भाई देखो, आपने पढ़ा होगा क्लास ट्वेल्थ में विब ग्योर, वाइट लाइट इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो जो वाइट लाइट होती है वो सेवन कलर्स, 1 2 3 4 5 6 7, सेवन कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, इसी को ही क्या बोलते हैं हम, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज मेजर्ड इन हर्ट्स। तो पूछ रहा है कौन सी क्वांटिटी हर्ट्स में मेज़र की जाती है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड या पावर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू। तो जो मैं बता दूँ आपको, वी होता है स्पीड यानी वी बराबर होता है न्यू लैम्डा, ये आपने याद रखना है, लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओम्स लॉ इज करेक्ट। तो पहले तो हमको ओम्स लॉ पता होना चाहिए, वी ओम्स लॉ क्या कहते हैं, वी बराबर आई आर, ये आपने याद रखना है। तो उस हिसाब से जो भी मैच करेगा वो यहाँ पे मैच कर सकते हैं भाई। करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है, या करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नहीं है, ठीक है, ये गलत हो गया बात। द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, नहीं जी, करंट तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये गलत। और डी कह रहा है द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस इट, ठीक है जी। तो आप ये क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लगा सकते हैं। अब चलते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
तो क्वेश्चन नंबर वन केमिस्ट्री का, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? सोडियम यानी कि Na, क्लोरीन, ऑक्सीजन या कार्बन? तो मैं बता दूँ इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर टू, आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल पूछ रहे हैं। आयनिक कंपाउंड आपको पता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, इसमें बड़ी स्ट्रोंग फोर्स होती हैं, या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के नाम से भी इसे जानते हैं। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स बन जाते हैं, इसे ही इसलिए आयनिक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Na इसका Cl एग्जांपल हो जाएगा, यानी Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, या आपस में मिलते हैं तो NaCl फॉर्म करते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और मैथेन CH4 पता है आपको। क्वेश्चन नंबर थ्री, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इंटू गैस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना बोलते हैं सब्लीमेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सब्लीमेशन। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं नेप्थलीन बॉल्स, नेप्थलीन बॉल्स यानी कि फिनाइल की गोलियां जो होती हैं वो कुछ समय बाद कपड़ों से अपने आप गायब होने लगती हैं। तो इसको ही हम सब्लीमेशन का एग्जाम्पल कह सकते हैं, मतलब कि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है गैस में। और इसका एक और एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो आपने कपूर देखा होगा ना, कपूर, कपूर का एग्जांपल ये हो सकता है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कैम्फर। ठीक है, कैम्फर, तो कैम्फर जब हम कपूर को जलाते हैं तो वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फ्लोविंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्जोथर्मिक रिएक्शन? बर्निंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस, फोटोसिंथेसिस या डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर? तो इसका आंसर हो जाएगा बर्निंग ऑफ पेपर। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ, द वर्ल्ड स्टाइक्योमेट्री रेफर्स टू द टर्म ऑफ, रेफर टू द स्टडी ऑफ। तो स्टाइक्योमेट्री जो है केमिकल रिएक्शन से संबंधित है। विच ऑफ द फ्लोविंग इज अ ग्रीन हाउस गैस? कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 या हाइड्रोजन? तो मैं बता दूँ CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। विच ऑफ द फ्लोविंग इज एग्जाम्पल ऑफ लिविस एसिड? HCl, NH, NaOH, H2O या AlCl3? तो लिविस एसिड का एग्जाम्पल क्या है? AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर एट, pH स्केल से क्वेश्चन पूछा गया, pHCl क्या कंसेंट्रेशन किसकी दिखाता है, एसिड की, बेस की या बोथ? तो pH स्केल 7 होता है और फिर ऊपर से 8, 9, 10 इस तरह ही चलता है आगे तक 14 तक। ठीक है, और फिर इस तरह ही पीछे आ जाएगा 6, 5 इस तरह ही चलता जाएगा। ठीक है, तो ये 7 जो है न्यूट्रल के कैटेगरी में आता है, इससे ऊपर जैसे जैसे आप जाएंगे तो ये बेस बनता जाएगा, इससे पीछे आएंगे तो ये एसिड होता जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों की कंसेंट्रेशन को दिखाता है pH स्केल। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक? जो हमने इससे पहला थोड़ा क्वेश्चन किया था ऊपर, वो था एक्सोथर्मिक का एग्जांपल या एंडोथर्मिक का एग्जांपल। तो मैं बता दूँ, एंडोथर्मिक एग्जांपल होता है फ्रीजिंग ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी क्वेश्चन है, मोलिकुलर फार्मूला पूछ रहा है ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का मोलिकुलर फार्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हमारे आज सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और इसके साथ साथ आप एक और समझ सकते हैं C12H22O11, ये इससे ही बनती है ग्लूकोज, C12H22O11, जिसे हम क्या कहते हैं हमारा यार क्या नाम था उसका, शुगर, शुगर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो ये मैंने 20 क्वेश्चन आपको करवा दिए टोटल। आपको नीचे कमेंट में एक बताना है आंसर, डायमेंशन बताने एक तो क्यू के, और एक और क्वेश्चन आपको बताया था बीच में उसका कमेंट नीचे कर देना। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।